आखिर कैसे सनी देओल से है नफरत, लेकिन शाहरुख से हमेशा से रहा है हेमा मालिनी का लगाव। जब पिता धर्मेंद्र ने साल 1980 में अपनी दूसरी शादी की तो बड़े बेटे सनी देओल को बहुत बुरा लगा। यहाँ तक खबरें ये भी आई थीं कि सनी देओल गुस्से में आकर अपनी सौतेली माँ हेमा मालिनी की पिटाई भी करने वाले थे, लेकिन इस पर धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने इन सभी खबरों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने इस पर कहा था कि मैंने अपने बच्चों की परवरिश ऐसी नहीं की है। लेकिन धर्मेंद्र और उनकी दोनों ही पत्नियों के बीच के रिश्ते काफी अलग थलग है। एक तरफ जहाँ सनी के बड़े बेटे करण देओल की शादी में बॉलीवुड के तमाम नामचीन कलाकारों ने शिरकत की, तो दूसरी ओर इस शादी में ऐसे भी कयास लगाए गए थे कि शायद हेमा मालिनी सारे गिले शिकवे भुलाकर अपनी दोनों बेटियों के साथ इस शादी में शिरकत करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस घटना ने साफ तौर पर जाहिर कर दिया कि धर्मेंद्र की दोनों पत्नियों के बीच के रिश्ते अभी ठीक नहीं है। हालांकि जैसी मर्जी रही हो, लेकिन फिर भी देओल परिवार के सदस्य अक्सर लाइमलाइट में बने रहते हैं। अब बात करेंगे रिश्तों की, तो हमेशा से सनी देओल और उनके परिवार वालों की चर्चाएं हो ही जाती हैं। अब आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि सनी देओल काफी पारिवारिक हैं और अपने सामने पिता की दूसरी शादी करने के बावजूद भी उन्होंने अपने पिता का मान सम्मान करना कभी भी छोड़ा नहीं, और वहीं पे दूसरी तरफ अपनी सौतेली माँ हेमा मालिनी के साथ भी उनके कुछ खास रिश्ते नहीं हैं। लेकिन हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हेमा मालिनी भले ही सनी से कुछ खास रिश्ता ना रखती हो, लेकिन सनी के सबसे बड़े दुश्मन शाहरुख खान के साथ हेमा मालिनी का कुछ अलग ही रवैया है। यहाँ तक कि वो उन्हें अपना बड़ा बेटा तक मानती है। अब शाहरुख खान और सनी देओल का 36 का आंकड़ा और साल 1993 में आई फिल्म डर में जो कुछ भी हुआ वो तो सब कुछ जग जाहिर है। इस फिल्म को करने के बाद सनी देओल और शाहरुख खान के बीच में दुश्मनी पैदा हो गई है और दुश्मनी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आने वाले समय में इन दोनों की दुश्मनी इतनी बढ़ती जाती है कि यहाँ तक कि सनी देओल और शाहरुख खान इस फिल्म में काम करने के बाद कभी भी किसी दूसरी फिल्म में साथ नजर नहीं आए। तो वहीं पे अगर हम बात करें हेमा मालिनी की, तो हेमा मालिनी शाहरुख खान के करियर को ऊपर उठाने के लिए जी तोड़ मेहनत करती हुई दिखी। यहाँ तक कि उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी कर दी थी कि आने वाले समय में, यानी कि आने वाले सालों में, शाहरुख खान बॉलीवुड के बादशाह बनेंगे और शाहरुख खान के करियर की तरफ नजर डालेंगे तो उनका करियर काफी संघर्षों भरा रहा है। साल 1991 में तो सिर्फ गिने चुने लोग ही उन्हें जानते थे और उनका दौर संघर्षों से भरा हुआ था। टीवी की दुनिया में इन्होंने अपना पहला कदम रखा और यहाँ पर वो कुछ फिल्में पाने में कामयाब भी साबित रहे। लेकिन इन दिनों, यानी कि साल 1992 में, शाहरुख खान के करियर की शुरुआत से साल भर पहले एक भविष्यवाणी की गई थी जो देखें तो बिल्कुल सच साबित हुई, और ये भविष्यवाणी हेमा मालिनी की गुरु माँ ने ही किया था। हाल ही में हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू दिया और इसी दौरान उन्होंने ये किस्सा बताया। दरअसल साल 1991 में जो कुछ भी किस्सा घटा, उस किस्से को अभी हाल ही में हेमा मालिनी ने लहर टीवी को दिए एक शो के दौरान बताया कि वो उन दिनों दिल आशना है फिल्म बना रही थी। उनको एक नए चेहरे की तलाश थी और टीवी पर सीरियल में उन्होंने शाहरुख खान को देखा और रोल के लिए पसंद कर लिया। शाहरुख खान को उन्होंने बुलवाया और उनकी मुंबई में मुलाकात हुई तो उन्होंने अपनी गुरु माँ से भी शाहरुख खान को मिलवाया। इस पर हेमा मालिनी कहती हैं कि मेरे गुरु माँ ने शाहरुख खान को देखकर कहा था कि तुम्हारी फिल्म का ये हीरो सुपरस्टार बनने जा रहा है। उन्होंने ही फिल्म का नाम दिल आशना है सुनाया और फिर कहा कि तुम्हें एक बड़ा हीरो मिलने जा रहा है। हेमा मालिनी के मुताबिक उन्होंने यहाँ पर बताया कि उनकी गुरु माँ ने कहा था कि हमारा ये हीरो एकदम नया लड़का है और किसी फिल्मी परिवार से ताल्लुकात भी नहीं रखता है, सिर्फ टीवी पर इसने काम किया है। और इस पर गुरु माँ ने कहा कि मैं कह रही हूँ, देख लेना, तुम्हें एक बड़ा हीरो मिलने वाला है। हेमा मालिनी ने अपने गुरु माँ की बात याद करते हुए कहा कि उनकी बात एकदम सच साबित हुई। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि शाहरुख खान इतने बड़े स्टार बन जाएंगे, लेकिन वो इतने सालों से स्टार है। शायद गुरु माँ देख सकती थी कि आने वाले साल में क्या होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि दिल आशना है शाहरुख खान की पहली डेब्यू फिल्म थी, लेकिन इससे पहले उनकी फिल्म दीवाना रिलीज हुई और दीवाना सुपर डुपर हिट साबित हुई। फिर कभी शाहरुख खान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आने वाले समय में हेमा मालिनी के साथ उनके रिश्ते और भी अच्छे होने लगे। यहाँ तक कि हेमा मालिनी शाहरुख खान को अपने बेटे की तरह मानती थी और उल्टा शाहरुख खान भी उन्हें अपनी माँ के रूप में देखते थे। खैर,
मौजूदा समय की बात करें तो मौजूदा समय में शाहरुख खान किसी पहचान के मोहताज नहीं है। 2018 में उनकी फिल्म जीरो आई थी जो कि सुपर डुपर फ्लॉप साबित हुई थी, लेकिन 4 साल का वनवास खत्म करते हुए साल 2023 के शुरुआती महीने पर पठान ने छप्पड़ फाड़ कमाई की और यही बड़ी वजह है कि शाहरुख खान के चाहने वाले अब उनकी आने वाली फिल्म डंकी और जवान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक और कॉमेंट्स के जरिए जरूर बताइए।